गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास. आई एम वनीशा, यूर टीचर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम कल्पना चावला विद्यापीठ. हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी एट यूर प्लेसेज. वी हैव जस्ट कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर 6 ऑफ ग्रामर. टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 ऑफ ग्रामर, एडजेक्टिव 2. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ यूर चैप्टर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स में हमने क्या किया था बेटे? एडजेक्टिव्स आर लाइक सम क्वालिटीज. एडजेक्टिव्स नाउन की क्वालिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो उनका शेप हो या कलर हो या किसी भी तरह का उनका काइंड हो. तो वो हमने उसमें पढ़ा था. अब जो क्वालिटीज़ होती हैं वो किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकती हैं. समवन हैज़ क्वालिटीज़ मोर देन अदर्स, कि किसी में कम क्वालिटीज़ होती हैं किसी में ज़्यादा होती है, तो उसका कंपेरिजन को ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ये चैप्टर आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर है, जिसमें कि हम क्वालिटीज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं. जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, जोसेफ इज़ स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है ना, जोसेफ इज़ स्ट्रॉन्ग, कि एक ही जोसेफ के बारे में बात हो रही है. तो जोसेफ कैसे है? स्ट्रॉन्ग है. जब एक ही इंसान के बारे में, एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं, देन दिस इज़ पॉजिटिव डिग्री. एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस, स्मिथ इज स्ट्रोंगर देन जोसेफ. नाउ देर इज़ कंपेरिजन बिटवीन टू, स्मिथ एंड जोसेफ. वैन देर इज़ कंपेरिजन बिटवीन टू पर्सन्स, देन इट इज़ कंपेरिटिव डिग्री. स्मिथ और जोसेफ के बीच में कंपेरिजन है तो कौन सी डिग्री होगी? कंपेरिटिव डिग्री. एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज जुबीन इज द स्ट्रोंगेस्ट बॉय इन द क्लास. जुबीन इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बॉय इन द क्लास मीन्स जुबीन का जो कंपेरिजन है पूरी क्लास के बॉयज़ के साथ हो रहा है. वैन देर इज़ कंपेरिजन बिटवीन मैनी मोर देन टू, देन देर इज़ सुपरलेटिव डिग्री. ओके, अंडरस्टूड यू? वैन देर इज़ नो कंपेरिजन देन इट इज़ पॉजिटिव डिग्री. वैन देर इज़ कंपेरिजन बिटवीन टू देन देर इज़ कंपेरिटिव डिग्री. एंड वैन देर इज़ कंपेरिजन बिटवीन मोर देन टू अमंगस्ट मैनी देन देयर इज सुपरलेटिव डिग्री. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. यू हैव टू गिवन सम पॉजिटिव डिग्रीज एंड यू हैव टू मेक कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम दैम. लाइक ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट. कंपेरेटिव डिग्री में यू हैव टू यूज़ ER एंड इन सुपरलेटिव डिग्री यू हैव टू यूज़ EST. अंडरस्टूड? यू कैन रीड फ्रॉम यूर बुक एंड फ्रॉम हेयर. इफ़ यू डोंट हैव बुक then you can write these in your fair notebook of grammar, otherwise purchase your books. Understood? So these are some examples. After that there are some more examples. You can see there are some positive degrees which have in which we can use more or most. Sab kuch positive डिग्रीज ऐसी होती हैं, मींस कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है जिनके साथ हम ER और EST का यूज़ नहीं कर सकते, उनके साथ हम कंपेरेटिव डिग्री में मोर का यूज़ करते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज़ करते हैं. यू कैन सी अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, सीरियस, मोस्ट सीरियस, सॉरी, मोर सीरियस, मोस्ट सीरियस, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, रिलायबल, मोर रिलायबल, मोस्ट रिलायबल. आप यहाँ से बेटा लर्न कर सकते हो या अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो. आफ्टर दैट इन लास्ट देर आर सम डिग्रीज इन विच वी कांट यूज़ मोर और मोस्ट. कुछ डिग्रीज ऐसी होती है बेटा जिसमें हम मोर और मोस्ट का यूज़ भी नहीं कर सकते. दे आर इरेगुलर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज लाइक बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट. यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर. आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल. आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है. आई एम सेंडिंग यू, यू कैन फिल इन योर बुक. एंड द लास्ट बी पार्ट, इन बी पार्ट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर
करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. लिसन केयरफुली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. द वेल इज द डैश मैमल इन द वर्ल्ड. आपको ये ब्लैंक दे रखा है, द वेल इज द डैश मैमल इन द वर्ल्ड. अब लास्ट में आपको दे रखा है यहाँ पे लार्ज, जो भी आपको ब्लैंक है यहाँ पे ब्लू कलर के दे रखे हैं, ये सभी आपके पास पॉजिटिव डिग्रीज हैं. आपको इनको सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करके ब्लैंक में भरना है. द वेल इज द डैश मैमल इन द वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड की जो पूरे वर्ल्ड में जो मैमल्स हैं उनका कंपैरिजन किया जा रहा है, उनका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आपको पूरे वर्ल्ड में कंपैरिजन है तो आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है. ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन है ना, तो लार्ज की सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी, लार्जेस्ट. अंडरस्टूड. सेकंड है सीमा इज डैश एट स्पेलिंग, निधि इज डैश, बट शुभ इज डैश. अब आपको तीन ब्लैंक दिए गए हैं और आपको तीनों में ब्लैंक भरने और गुड की फॉर्म्स भरनी है. वेन एवर यू गिव थ्री ब्लैंक्स, जब आपको थ्री ब्लैंक्स दिए जाते हैं और एक उसकी पॉजिटिव डिग्री दी जाती है, तब आपको उसमें तीनों में इसकी अलग अलग डिग्री भरनी है. फर्स्ट में आपकी पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी, सेकंड में आपकी कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, थर्ड में सुपरलेटिव आ जाएगी. क्योंकि पहले सीमा की बात हो रही है, फुल स्टॉप पे लाइन ख़त्म है कि सीमा इज़ डैश एट स्पेलिंग, सीमा स्पेलिंग्स में अच्छी है, ओनली सीमा के बारे में बात हो रही है, तो पॉजिटिव डिग्री फील करोगे आप. नेक्स्ट है निधि इज डैश, निधि उससे बेटर है, सीमा से बेटर है, निधि और सीमा का कंपैरिजन है तो बेटर आ जाएगा. बट शुभ इज़ द बेस्ट. अब शुभ का कंपैरिजन इन दोनों के साथ है, लास्ट में दे रखा है, तो बेस्ट आ जाएगा सुपरलेटिव डिग्री. इट इज़ डैश टू रीच द एयरपोर्ट बाय टैक्सी देन द बस. अब ये टैक्सी और बस का कंपैरिजन हो रहा है, दो के बीच में कंपैरिजन है कि टैक्सी से जा सकते हैं या बस से जा सकते हैं, बट ईजी किससे रहेगा, टैक्सी से जाने में. अब ईजी की कंपैरेटिव डिग्री भरी जाएगी, दो के बीच में कंपैरिजन है तो ईजियर आ जाएगा. समंथा इज़ द डैश डांसर इन हर ग्रुप. अब पूरे ग्रुप की गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, तो टैलेंटेड की सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, मोस्ट टैलेंटेड. हेयर द वेदर इज डैश देन दैट ऑफ देयर. जिस भी सेंटेंस में आपका देन आ जाता है उसमें कंपैरेटिव डिग्री फील होगी आपकी. अब बैड के देन आ गया इसमें, क्योंकि दैट ऑफ देयर यहाँ की और वहाँ के वेदर में कंपैरिजन हो रहा है. हेयर एंड देयर दो के बीच में कंपैरिजन है, तो बैड का आपका कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, वोर्स. दिस रोड इज एज डैश एज द वन इन फ्रंट ऑफ यूअर हाउस. अब तुम्हारे घर के सामने की एक रोड के बारे में बात हो रही है, तो एक ही रोड के बारे में बात हो रही है तो उसमें पॉजिटिव डिग्री भरी जाएगी, नैरो का नैरो आ जाएगा. चेन्नई इज डैश देन दिल्ली इज नवंबर. अब चेन्नई और दिल्ली का कंपेरिजन हो रहा है, टू के बीच में कंपेरिजन है, तो होट की कंपेरेटिव डिग्री क्या आ जाएगी, होटर. होटल्स दैट आर डैश आर यूजली डैश देन दोज दैट दैट आर डैश. अब इसमें आपको तीन दे रखे हैं, आपको उनके हिसाब से भरना है. होटल्स दैट आर कम्फर्टेबल, फर्स्ट में आ जाएगी आपकी पॉजिटिव डिग्री. होटल्स जो कि कम्फर्टेबल होते हैं आर यूजली मोर एक्सपेंसिव, कि जो होटल कम्फर्टेबल होते हैं मीन्स नॉन कम्फर्टेबल होटल्स के साथ कंपेरिजन है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंसिव का मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. देन दोज दैट आर डैश, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, चीपर, कि जो जो कि सस्ते होते हैं, सस्ते होटल्स के साथ कंपैरिजन है और चीप का आ जाएगा चीपर. नेक्स्ट है लंदन एंड टोक्यो आर कंसिडर्ड एज टू ऑफ द डैश सिटीज इन ऑफ द वर्ल्ड. अब लंदन और टोक्यो की दो की सिटीज़ की कंपैरिजन किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड की सिटीज़ के साथ. लंदन और टोक्यो का कंपैरिजन नहीं है, लंदन और टोक्यो दोनों का मिला के पूरे वर्ल्ड की सिटीज़ के साथ कंपैरिजन है, तो बिजी की सुपरलेटिव डिग्री क्या आ जाएगी, बिजीएस्ट. रोहित इज एज डैश एज ए सेंट. रोहित जो है संत की तरह ही गुड है, तो गुड की आपकी एज आपका आ जाता जब भी, तो आपको उसने पॉजिटिव डिग्री ही फील करनी है. रोहित इज एज गुड एज ए सन. तैसी नेक्स्ट है अविनाश रन्स एज फास्ट एज अ हॉर्स. यहाँ भी फास्ट का फास्ट आएगा, कि एज हम सिमिलीज में यूज़ करते हैं ना, तो वैसे सिमिलीज की फॉर्म में आपके ब्लैंक आता है तो आपने पॉजिटिव डिग्री फील करनी है.
एंड द लास्ट वन आपको इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है यहाँ पे जो डिग्रीज दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग. गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव देन मोस्ट अदर मेटल्स. अब इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है इस सेंटेंस को. सिंपल एक सेंटेंस लिखना है तो आप सिर्फ गोल्ड के बारे में लिखोगे. गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल. वेरी फ्यू होटल्स आर एक्सपेंसिव एज होटल ओबेरॉय. आपको इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो होटल ओबेरॉय आपका पहला पहले आ जाएगा. होटल ओबेरॉय इंटरनेशनल इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव देन अदर्स. ऐसी नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यहाँ से देख सकते हो. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. आपको अपनी बुक में ये फिल करनी है एक्सरसाइज एंड यू हैव टू गिवन अ वर्कशीट. आपको एक वर्कशीट दी जाएगी. यू हैव टू डू इन यूर फेयर नोटबुक. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय.